हेलो दोस्तों। तो आज से हम एक इम्पोर्टेंट जो सीरीज है वो शुरू कर रहे हैं। एसीएफ पेपर वन के एमसीक्यूज हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपके पेपर वन में जो पहला टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट, मतलब इंडियन पेंटिंग से रिलेटेड पहला वाला टॉपिक है, तो आज उसका सेशन रहेगा। ऐसे हमारे कंटिन्यूअसली कोशिश करेंगे कि 10 सितंबर तक हम लगभग लगभग आपका पेपर जो है वो कंप्लीट कर लें। जैसे आज इंडियन पेंटिंग से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं मैंने वो बनाने की कोशिश की है। बाकी आप लोग एक बार इसका मतलब इसको अच्छे से देख लेना, मैं पीडीएफ इसकी शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को इसके इर्द गिर्द क्वेश्चंस पर फोकस करना है इंडियन पेंटिंग जब भी आप पढ़ो तब। ठीक है, तो एक बार मुझे बता देना कि मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना, फिर उसके बाद में अपन शुरू करते हैं। एक बार फटाफट से मेंशन कर देना सभी लोग, जो भी लोग ज्वाइन हो रखे हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑन इंडियन पेंटिंग्स। ये जो एमसीक्यूज मैं करवा रहा हूँ ये पेपर वन जो एसीएफ का है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ आरएस प्री के लिए भी ये जो एमसीक्यूज है ये काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसको दोनों एग्जाम्स के लिए देख सकते हो, दोनों ही बेहतरीन एग्जाम्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आंसर करना है, अजंता की निम्न में से किस गुफा में पद्मपाणि अवलोकितेश्वर और मार विजय का चित्र उत्कीर्ण है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो एक बार देख लेना, मतलब अजंता की ऐसी कौन सी केव है जिसमें पद्मपाणि अवलोकितेश्वर को इंग्लिश में अवलोकितेश्वर ही बोलते हैं और मार विजय का चित्र बना हुआ है, मतलब केव नंबर कौन सी में। तो ये जो अजंता की केव्स है ना, आपको इनमें से कुछ कुछ जैसे मतलब जैसे केव नंबर 1 है, केव नंबर 16 है, केव नंबर जैसे आपके 14 है, केव नंबर 3 है, वो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। गुड मॉर्निंग मैम, हेलो मैम। चलिए, तो गुड, प्रिया मैम का आंसर है आपका गुफा नंबर 1 में, बिल्कुल सही है ना रामचंद्र जी, एकदम करेक्ट है रेणु जी, है ना। गुफा नंबर 1 में पद्म पाणि अवलोकितेश्वर और मार विजय का चित्र उत्कीर्ण है। ठीक है, ये ध्यान रखना। मार विजय क्या है? मार विजय एक बुद्ध की मुद्रा है ना, इसका याद रखना आप लोग। बुद्ध की मुद्रा है जिसमें भगवान बुद्ध जो है वो मार के प्रहार से बचने के लिए पृथ्वी से कुछ आह्वान करते हैं, पृथ्वी से कुछ उसको साक्ष्य मान के हुए और अपनी योग साधना करते हैं, मतलब तो वो मार विजय का चित्र है मतलब। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला सुमेलित नहीं है। सुमेलित का मतलब है कि कौन सी मिली हुई नहीं है ना, जिसको भी इंग्लिश में, आज थोड़ा सा मैंने है ना हिंदी में ही बनाया, कोशिश तो इंग्लिश की भी की थी कुछ कुछ क्वेश्चंस की, लेकिन बाद में टाइम नहीं मिलने की वजह से हिंदी में बनाया। कल से आपका बाइलिंगुअल मिल जाएगा आपको, है ना। गुड मॉर्निंग मैम, कल से हम बाइलिंगुअल भी कर लेंगे इसको। तो कौन सी चित्रकला जो है वो सुमेलित नहीं है? अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है ना, थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करना एक बार। हाँ, अब बताना। गुड गुड गुड। हाँ, थोड़ा सा एक्चुअली बाई मिस्टेक इसमें टाइप हो गया, बाई मिस्टेक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। वेरी गुड। तो 3 और 4 जो है, 3rd एंड 4th जो है वो इसमें आपके सुमेलित नहीं है, बिल्कुल सही है। कलमकारी जो है वो आंध्र प्रदेश की है, ये ध्यान रखना है ना, कलमकारी आंध्र प्रदेश की, जबकि पटुआ चित्रकला जो है वो आपकी बंगाल की है, यानी कि वेस्ट बंगाल कलकत्ता वाले क्षेत्रों में ये स्पेशली प्रचलित रहती है। नहीं, कलमकारी आंध्र प्रदेश है ना, ध्यान रखना है। अगला इंग्लिश में क्वेश्चन है ना, आप एक बार पढ़ लेना। किस बौद्ध ग्रंथ में कई शाही इमारतें जो भी रॉयल बिल्डिंग्स थी उनमें आकृतियों के चित्रों के अस्तित्व के बारे में जानकारी मिलती है? और कल का जो टॉपिक आपका रहेगा वो देख लेना आप लोग, मूर्ति कला, जो भी नेक्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा हुआ है ना, सेम टू सेम टॉपिक के अकॉर्डिंग ही अपन चलेंगे इसमें। ठीक है, और जो मैंने पीडीएफ आप लोगों को शेयर की थी वो पीडीएफ अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने उसमें मेंशन की थी है ना, तो वो आप लोग सारी की सारी पढ़ते रहना। गुड,
किस बौद्ध ग्रंथ में शाही इमारतों के बारे में चित्रण है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? स्किप कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, इसको मेंशन कर लेना आप लोग। विनय पिटक में शाही इमारतों पर जितनी भी जो भी पेंटिंग्स थी उनसे रिलेटेड उल्लेख किया हुआ है, मतलब, तो आपका आंसर रहेगा विनय पिटक, ठीक है, याद रखना इसको। अगला, पेंटिंग्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? नहीं, विनय पिटक में उल्लेखित है मैम, है ना, कोई नहीं है, मैं नहीं, थोड़ा सा आपके जो कमेंट्स है ना हल्का सा लेट होते हैं, 10-15 सेकंड, तो वो आप लोग एक बार वेट कर लिया करो, हल्का सा, है ना, उसमें हो जाता है, थोड़ा 10-10 सेकंड का अंतराल रहता ही है इसमें, 10-15 सेकंड तक दिक्कत रहती है। वेरी गुड, बढ़िया, ठीक है। पेंटिंग्स भारतीय कला के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो वात्स्यायन के द्वारा जो लिखित कामसूत्र था उसमें 64 प्रकार के चित्रों का उल्लेख किया गया है, वो बिल्कुल सही है। और दूसरी बात, विष्णु धर्मेत्तर पुराण जो है वो चित्र सूत्र नामक एक चित्र खंड है, उसमें उसमें भी स्पेशली पेंटिंग से रिलेटेड चीजों का वर्णन किया गया है, तो ये आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा आपका, दोनों ही करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अगला, पहली बार हम किस काल में फूल पत्तियां और पौधों के स्पेशली चित्र देखते हैं? मतलब हमारे नॉर्मली जो भी हमारे पीरियड्स चल रहे थे उस दौरान हमारे पेंटिंग्स में देवी देवताओं के या गंगा जमुना की पेंटिंग्स और इस पे फोकस किया जाता था, लेकिन फूल पत्तियां और पौधों के चित्र हमें शुरुआत मिलती है दिल्ली सल्तनत काल से। मुगल काल में तो सर इसका विकास होता है प्रॉपरली, है ना, दिल्ली सल्तनत से स्पेशली ये हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि जैसे ही हमारे यहाँ पर इस्लामिक जो पेंटिंग्स का प्रक्रिया शुरू होती है हमारे भारत में, तो दिल्ली सल्तनत काल शुरुआत होता है, फिर दिल्ली सल्तनत के बाद में मुगल काल आता है, ठीक है, याद रखना इसको अच्छे से। उसके बाद में, लघु चित्रकला भारत के किस भाग में विकसित की गई थी? किस एरिया में हमारे भारत में लघु चित्रकला का विकास हुआ प्रॉपरली? लघु चित्रकला मतलब मिनिएचर पेंटिंग का। अच्छा, कौन सी शैली में डेवलप हुआ ये भी मेंशन करना है साथ का साथ आप लोगों को, कि एग्जैक्टली किस शैली को भारत में मिनिएचर पेंटिंग की प्रारंभिक शैली कहा जाता है, यानी कि प्राइमरी ऐसा स्कूल है वो जहां पर मिनिएचर पेंटिंग्स की शुरुआत होती है। एकदम करेक्ट है ना रचना मैम, बिल्कुल सही है आपका आंसर, है ना, पूर्वी भारत में स्पेशली इस मिनिएचर पेंटिंग्स की शुरुआत होती है, और पाल शैली जो है वो पाल शैली को इस शैली के लिए जाना जाता है स्पेशली, ये प्रारंभिक उदाहरण यहाँ पर मिलता है हमें मिनिएचर पेंटिंग्स का, ठीक है ना, गुड 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 गुड। अगला, चित्रकला कौन सा ऐसा काल है जो मध्यकालीन भारत में किस काल के समय, मतलब चित्रकला अपने क्लाइमेक्स पीरियड पर थी, मतलब एकदम उस ड्यूरेशन पे थी, चरमोत्कर्ष जिसको स्वर्ण काल भी बोला जाता है स्पेशली अगर हम बात करें तो उस हिसाब से आपको बताना है। गुड, वेरी गुड गुड, है ना, तो जहांगीर का जो काल था इसे चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, तो वो सांझा का काल था जिसे स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो ये दोनों में आप अंतर याद रखना, जहांगीर का काल चित्रकला और सांझा के काल में स्थापत्य कला, ताजमहल सांझा का है ना, तो उस तरीके से स्थापत्य उसके याद रखना आप लोग, ठीक है। अगला, किस बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स से रिलेटेड कौन से पेंटर्स, मतलब इसमें स्पेशली क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि किन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स को डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है।
एवं जी में, ऑल ऑफ द अबव सही है। यानी कि नंदलाल बोस बंगाल स्कूप ऑफ आर्ट से रिलेटेड थे, फिर अवनिंद्र नाथ टैगोर भी इन्हीं से रिलेटेड है, एच बी हेवेल जो है, ई बी हेवेल ये भी इन्हीं से रिलेटेड है, और सुनैना देवी जो है ये भी बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से रिलेटेड है। अच्छा, मैंने कुछ चीजें मेंशन की है, एक बार आप इसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स में अवनिंद्र नाथ टैगोर की महत्वपूर्ण भूमिका रही, और स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड ये स्कूल जुड़ी हुई है। मतलब अगर मान लो आपसे कैसा ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड कौन सी पेंटिंग ऑफ स्कूल है, मतलब, तो आप याद रखना है इसके बारे में। ई बी हेवेल जो थे उन्होंने इस भूमि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसका डेवलपमेंट करने के लिए, तो ये भी आपको याद रखना है। यानी कि ब्रिटिशर्स ने भी इस बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स को डेवलप करने का अपना एक बड़ा योगदान दिया। भारत माता की पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये अवनिंद्र नाथ टैगोर के द्वारा ही बनाई गई थी। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ पेंटर्स के नाम लिखे हुए हैं आपके, ठीक है, तो इन पेंटर्स को अच्छे से याद कर लेना आप लोग, ठीक है। अगला, मधुबनी लोक चित्रों की एक शैली है जो भारत के किस राज्य में प्रचलित है। मधुबनी की जो प्रमुख कलाकार जो थी सीता देवी, पहले भी चर्चा में रही थी और काफी प्रसिद्ध कलाकार है। मधुबनी की अपनी खासियत है कि इस पेंटिंग्स में है ना, पहले तो एक चश्मी आंख का अंकन किया जाता है, यानी कि एक ही आंख बनाई जाती है, और इस पेंटिंग में कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ी जाती। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कोई जगह खाली नहीं छोड़ते हैं, बिल्कुल सही है। बिहार वाला क्षेत्र जो है वो मधुबनी पेंटिंग के लिए जाना जाता है, स्पेशली मिथिलांचल वाला प्रदेश जो आपके नेपाल के तराई वाले क्षेत्र में पड़ता है ना, जैसे यहाँ पर नेपाल और यहाँ पर ये मधुबनी वाला रीजन पड़ता है बिहार में। नंदलाल बोस, मंजीत बाबा और तैयब मेहता, ये क्या है, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है और बिल्कुल सही है। बिल्कुल एकदम करेक्ट है, ये सब चित्रकार हैं, ठीक है, नंदलाल बोस, मंजीत बाबा और तैयब मेहता सारे चित्रकार हैं। वर्ली पेंटिंग किस राज्य के लिए स्वदेशी है या किस राज्य की है, मतलब किस राज्य की है, आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ोगे तो ज्यादा ठीक है ना। ये थोड़ी सी इसमें गड़बड़ हो गई, गुड, ठीक है, वेरी गुड। वर्ली पेंटिंग जो है वो किस राज्य की है, वर्ली, 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 वेरी गुड। यहाँ ध्यान रखना है वर्ली पेंटिंग जो है वो महाराष्ट्र की है, ठीक है, डी इसका आंसर रहेगा, बिल्कुल करेक्ट एकदम। खुशी जी, नितिका मैम और रेणु मैम, बिल्कुल सही है। आरसी जी आपका आंसर नहीं आ रहा, ठीक है, गुड। अगला, इसको मैं करना है, ये क्वेश्चन यूपीएससी 2014 या 2015 का क्वेश्चन था, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार इसको मिलाने की कोशिश करना। देखे आप दो तीन मिलाओगे आपका आंसर हो जाएगा, दो मिलाओगे उसी में हो जाएगा लगभग। वेरी गुड, 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 गुड। तो मधुबनी बिहार की हो गई, वर्ली महाराष्ट्र की हो गई, ठीक है, यहाँ आपके ये आपके हो गई केरला की, और पट्टचित्र हो गई आपकी उड़ीसा की, ठीक है, गुड। अगला, थंग का एक चित्रकला है और काफी बेहतरीन चित्रकला है, और इस चित्रकला में खासियत है कि स्पेशली मतलब भगवान बुद्ध पे ही बैस जाए ये चित्रकला, मतलब भगवान बुद्ध के इतने सारे रूपों को प्रदर्शित करते हैं। आप लोग जब इसको गूगल करके देखोगे इस चित्रकला की फोटोज, तो आपको बेहतरीन लगेगी, मतलब, और पेंटिंग में मिनिएचर पेंटिंग की बहुत ही शानदार शैली है, लेकिन है कहाँ की ये ध्यान रखना, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया है ना। सिक्किम, सिक्किम की है थंग का चित्र शैली, और आप एक बार पीडीएफ अच्छे से पढ़ लेना, गुड गुड, ठीक है। अगला, मुगल चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, अच्छे से सोच समझ के जवाब देना है। फिर बिल्कुल बिल्कुल,
बिल्कुल सही है, ठीक है। कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया है मुगल बादशाहों ने, सभी नहीं मतलब सभी का ही योगदान रहा है चित्रकला के विकास में। इसके साथ ही दृश्य, शिकार के चित्र, युद्धों के दृश्य, दरबार के दृश्य, ये इसमें स्पेशली दिखाए गए हैं। दसवंत और बसावन जो थे वो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करते थे। तो इसका आंसर भी ऑल आर करेक्ट, सही है। अगला, मुगल चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? थोड़ा मैचिंग ऐसी होगी ना, डी डी आंसर हो रहे हैं दो तीन बार से, कोई बात नहीं, लेकिन हर बार डी नहीं होता है ना, ये भी सोच समझ के आंसर करना है। वेरी गुड, गुड गुड, बिल्कुल सही है, ठीक है। औरंगजेब के चित्रकला में इसका कोई योगदान नहीं था, मतलब स्पेशली औरंगजेब ने अपने चित्रकारों को भगा दिया था, ठीक है। और मंसूर सांजा के काल का एक प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करता था। और यूरोपीय प्रभाव जो प्रसिद्ध चित्र था वो मिस्किन स्पेशली यूरोपीय प्रभाव से प्रभावित चित्रकार था, ठीक है, गुड। तो ये याद रखना, मिस्किन का याद रखना आप लोगों को, यूरोपीय प्रभाव से स्पेशली प्रभावित हुआ करता था। अगला, राजस्थानी शैली की चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बताइए। वेरी गुड, ठीक है, दोनों सही है इसमें, है ना, बोथ आर करेक्ट है। क्योंकि भारतीय और जैन शैली जो है वो स्पेशली दोनों का मिश्रण है, और मुगल शैली का भी इसमें प्रभाव है, और राधा कृष्ण बारहमासा रागों का इनका चित्रण स्पेशली इसमें किया गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास की चित्रकला के दृष्टिकोण से काफी समृद्ध रहा, तो इनमें से ऐसे कौन से साक्ष्य हैं जो उस चित्रकला के बारे में प्रमाण देते हैं, मतलब जैसे ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण लिटरेचर, बौद्ध लिटरेचर और विशाख दत्त के द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस, इनमें से कौन सा ऐसा है जो स्पेशली उन चित्रकलाओं के बारे में प्रदर्शित करते हैं? वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ब्राह्मण भी है बौद्ध में, अभी हमने नहीं देखा विनय पिटक के बारे में, अभी पढ़ा था हमने, थोड़ा सोच समझ के जवाब देना है ना। और विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में तो मतलब स्पेशली षडांग सिद्धांत वगैरह और इनके बारे में काफी कुछ वर्णित किया गया है, मतलब ठीक है, बिल्कुल सही। अगला, निम्नलिखित में से किस भारतीय चित्रकार का संबंध क्यूबिस्ट शैली से है? क्यूबिस्ट, क्यूब्स से मतलब स्पेशली पहले इसमें क्या होता था कि क्यूब्स का यूज कर करके और फिर ये शैली डेवलप की जाती थी चित्रों की, लेकिन उसके बाद में फिर इसको चेंजेस किया गया, नए नए आधुनिक चित्र आने लगे, तो स्पेशली क्यूबिस्ट शैली से जुड़े हुए चित्रकार कौन थे? तो आपके एम एफ हुसैन साहब जो हैं वो क्यूबिस्ट शैली से जुड़े हुए चित्रकार रहे, एम एफ हुसैन, है ना, ये याद रखना। अगला, निम्न में से किस ग्रंथ में पहली बार षडंग सिद्धांत यानी कि छह अंगों का चित्रकला के छह अंगों का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? पहली बार किस ग्रंथ में हुआ ये? गुड, पहली बार इस ग्रंथ को काम सूत्र में ही इसका वर्णन किया गया, षडंग सिद्धांत का। हालांकि फिर षडंग सिद्धांत आने वाले जितने भी और ग्रंथ थे, स्पेशली जैसे मुद्रा राक्षस में भी षडंग सिद्धांत के बारे में वर्णन किया गया था,
इसके अलावा एक विष्णु 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 धर्मेत्तर पुराण जो है वो, उसमें भी षडंग सिद्धांत के बारे में वर्णन है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है ना, मैंने बिल्कुल मेंशन कर रखा था, आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ना। उच्च पुरापाषाण काल की बात है, स्पेशली पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल की बात है, आप बस उस पर फोकस करना एक बार, है ना। तो शुरुआत की फेज में जो कलर जो चित्र बनाए जाते थे गुफाओं में, इनमें जैसे भीमबेटका, आदमगढ़ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, इनमें जो हमें चित्र मिले, और हमारे भी यहाँ पर अलनिया की गुफा, कोटा में, इनमें जो चित्र मिले थे, उनकी कुछ अपनी विशेषताएं होती थी। कौन सा कथन इसको फोकस करता है? बिल्कुल सही है, गुड, वेरी गुड, है ना। मानव आकृतियां जो होती थी उनको लाल रंग से प्रदर्शित किया जाता था, ठीक है, स्पेशली शिकारियों को बताने के लिए, भाई ये शिकारी हैं सारे के सारे। और जो हरे रंग से जिन महिलाओं को बनाया जाता था, वो नर्तकियों को स्पेशली फोकस किया जाता था हरे रंग से। लाल और हरे रंग प्राकृतिक रंग होते थे, प्राकृतिक रंगों का यूज करते थे, उस दौरान ऐसा कोई केमिकली कोई कलर होते नहीं थे, तो पत्थरों से या किसी भी तरीके से उनका यूज कर लेते थे, ठीक है, गुड। निम्नलिखित में से किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? गुड 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 गुड। पूर्व का राफेल किस चित्रकार को कहा जाता है? वेरी गुड, है ना। बाबर के समय का चित्रकार है और काफी बेहतरीन चित्रकार था, है ना। अच्छा मुझे एक बताना कि एक मतलब वैसे तो नॉर्मली चित्र खूब बनते थे, है ना, मुगल काल में, लेकिन मुगल काल में चित्र बनने में लिटरेचर का भी एक बड़ा योगदान रहा है, मतलब स्पेशली लिटरेचर से चित्र बनाने लगे थे, तो लिटरेचर में जो बातें होती थी उनके बेसिस पर चित्र बनाया करते थे, मतलब। तो पहला लिटरेरी वर्क कौन सा था जिसपे चित्र बनाए गए थे, एक बार इसका मेंशन करना है ना, कि मुगल काल का ऐसा पहला लिटरेरी वर्क जिस पर स्पेशली चित्र बनाए गए थे, और एक ऐसा इलाका था जहां पर लोग, है ना, उनका अनुवाद करने का काम करते थे, ठीक है, तो वो भी आपको मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में। अगला, इसको पढ़िए, एप्पण। तूती नामा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। लिटरेरी वर्क था तूती नामा, जिसके पहली बार चित्र बनाए गए थे, और दूसरा मकतब खाना, जहां पर अनुवाद का काम किया जाता था। मकतब खाना नाम से जगह थी जहां अनुवाद का स्पेशली काम होता था, बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए, ऐप्पण चित्रकला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर दीजिए। दोनों ही सही है क्या? गलत बात, दोनों ही गलत है। पहली बात, ऐप्पण चित्रकला महाराष्ट्र की नहीं है, ऐप्पण चित्रकला आपके उत्तराखंड की है, ठीक है। दूसरी चीज, राजस्थान में इसे मारना बोलते हैं, लेकिन गुजरात में चौक पूर्णा नहीं बोलते, गुजरात में इसको सातिया बोला जाता है, ठीक है। चौक पूर्णा एमपी और दक्षिणी यूपी वाले क्षेत्रों में चौक पूर्णा बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और महाराष्ट्र में इसको बोलते हैं रंगोली, है ना। राजस्थान में मानना सही है, लेकिन यहां पर नोटा, कोई भी कथन इसमें सही नहीं है, ठीक है, क्लियर। ऐप्पण उत्तराखंड की है, महाराष्ट्र की नहीं है ना, गुड। अगला, तमाशा चित्रकला का संबंध निम्नलिखित में से किस चित्र शैली से है? अच्छा मैंने इसमें, है ना, राजस्थानी जो चित्रकलाएं हैं वो नहीं करवा रहा, तो आप उसके लिए वो राजस्थान को प्रेफर करना, जो भी हमारी राजस्थानी राजपूताना की जो चित्रकलाएं हैं वो, ठीक है।
बिल्कुल एकदम करेक्ट है ना, मेवाड़ से रिलेटेड है तमाशा, जहाँ दरबारी दृश्यों और अदालती जो भी जीवन होता था उससे रिलेटेड चीजों को प्रदर्शित किया जाता था। अगर मान लो ये मेवाड़ ना रहे, यहाँ पर मान लो महाराष्ट्र या बंगाल रहे, तो फिर आपका आंसर क्या होना चाहिए? राजस्थानी चित्रशैली, ठीक है ना? उस पर ऐसे ध्यान रखना मतलब, क्योंकि फिर राजस्थानी चित्र शैली जो है वो ब्रॉड है। लेडी इन मूनलाइट निम्नलिखित में से किस भारतीय चित्रकार से संबंधित है? चांदनी रात में महिला का एक चित्र है, काफी शानदार चित्र बनाया गया था। लेडी इन मूनलाइट निम्नलिखित में से किस भारतीय चित्रकार से रिलेटेड है? गुड, वेरी गुड। राजा रवि वर्मा से रिलेटेड है लेडी इन मूनलाइट, है ना? अच्छा, इनके चित्रों को एक तो देखो, राजा रवि वर्मा के चित्र, एक अवनींद्रनाथ टैगोर का जैसे भारत माता का चित्र, ये ऐसे चित्र क्या है कि बहुत ज्यादा फेमस है ना, तो ऐसे चित्र भी हमसे आधुनिक चित्रकारों से रिलेटेड पूछा जा सकता है। वैसे तो इतना आधुनिक चित्रकारों पर फोकस नहीं करते, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा इस क्राइटेरिया को, इस जो इलाके को याद करके चलना है। अच्छा, निम्नलिखित में से किसे सर्प चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है? सर्प चित्रकला, नाग चित्रकला, इसके नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है। मंजूषा चित्रकला जो है इसे सर्प चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? बिहार के स्पेशली भागलपुर वाला जो रीजन है ना, उस भागलपुर वाले रीजन में ये चित्रकला आपको मिलती है मतलब। और इस चित्रकला की खासियत यह है कि एक बार आप है ना पीडीएफ में फोटो देखना है ना, उस फोटो में आप देखोगे ना, ऐसे ही आप कई सारे फोटोज देखोगे अगर नेट पे, तो एक सांप जरूर मिलेगा आपको कहीं ना कहीं मतलब चित्रकला में। ये इसकी अपनी खासियत है ना, इसी कारण इस चित्रकला को सर्प चित्रकला के नाम से जाना जाता है, ठीक है? गुड। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, अब इर्द गिर्द आप लोगों को पढ़ना है इनके, है ना? जितना भी मैं मान के चलता हूँ कि आपका काफी अच्छा खासा रिवीजन हुआ होगा, आपको अच्छा लगा हो तो एक बार आप अच्छा रिव्यू दे देना, है ना, कि कैसा क्या रहा है मतलब। इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा 10-15 सेकंड का हम डिले, थोड़ा लेट होता आपसे कनेक्ट होने में, तो वो 10-15 सेकंड का तो एडजस्ट कर लेना आप लोग, है ना? बाकी जो लोग अनअकेडमी पर है वो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं आरएस के लिए और एसीएफ के लिए पढ़ाता हूँ। और जो लोग अनअकैडमी प्लस पर नहीं है, वो लोग अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा रेफर कोड है मनीष लाइव, इसके जरिए आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी और जो भी डिटेल जाननी हो आप मुझे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबरों पर, और बाकी आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो धन्यवाद सभी को क्लास अटेंड करने के लिए, मिलते हैं अपन फिर। कल का टॉपिक आप ध्यान रखना, जस्ट आपके सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक जो है उसी नेक्स्ट टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे।